हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या चाल है आपका? आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है ये बता दो पहले। तो हवाबाजी कर रहा है तुम्हारा भाई फुल, वर्षाचे पहन के। मैं यार थोड़ी बहुत देर के लिए मिला, ऐसा पहन लेता हूँ, हवाबाजी करके वापस दे दूंगा। मनीष का आयो तो कैसा लग रहा है पहले तो तुम कमेंट करके बता देना, और मनीष का कैसा लगा ये वाला चश्मा उसके भी बताना, ठीक है? अगर तुम्हारे कमेंट ये आए ना कि जतिन भाई आपके ज्यादा बढ़िया लगता है तो मैं ले लूंगा इस चश्मा ना, ठीक है? तो जिता देना यार, ठीक है ना? गरीब आदमी देख, थोड़ा समझे करो। कभी कभी मिले ऐसी चीजें, अगर जीत शर्त वर्त लगी और जीत का मैं तो तुम्हारी बदौलत वर्षाचे पहन ले करूंगा, है ना? तो जिता देना तुम मुझे, उसकी वीडियो में पूछूंगा, अपनी मेरी में बता देना लेकिन उसकी मैं भी पूछूंगा। अभी एक बार मनीष का फोन आया कि विकास भाई का वहां जाना, विकास भाई का फोन आया था कि वो ना है डिटेलिंग वगैरह का कुछ भाई ने खोला है डिटेलिंग डेविल्स करके, तो एक बार वहां भी जाना है। मैं अपनी इस वाली रानी को कर देता हूं खड़ी और अपनी हबीब भी निकाल लेता हूं। अलग अलग गाड़ी में जाएंगे क्योंकि भाई मुझे एक फंक्शन में और जाना है, विकास भाई का वहां हाजिरी मार के सीधा निकलूंगा वहां। मौसम देखो तुम, मौसम इतना आर पार हो रहा है ना, ओहो क्या ही कह दूं मैं, क्या ही गिफ्ट दे दूं। अरे भैया निकाल लो, मुझे ही देख रहे हैं, वर्षाचे देख रहे हैं बाबा जी। भाई से गड़ी कर दे, तो मौसम बहुत आर पार हो रहा है और यहाँ तक निकलता हूँ, ठीक है? मनीष का फोन आया कि भाई मेरे ना कपड़े लिए, ये ऑफिस पे कपड़े नहीं है, घर रखे हैं। मैं कहा ओके भाई, अब उसके रूम में आ ही गया हूँ तो मैंने सोची क्यों ना थोड़ी बहुत और हवाबाजी कर लूं। भाइयों मैंने खाली कर दिया इतना, अभी और कर देता हूँ। इसे यो मेरे ही लिए है। अभी से लगा के मनीष का ये रखा बैग पैक कर लिया मैंने, अभी से लेकर जा रहा हूँ ऑफिस पे, वो चेंज करेगा फिर निकलता है, ठीक है? ये खड़ी अपनी हबीबी भाई से मैंने, एक छोटी सी तो दिक्कत तुम्हें मिलेगी हमेशा, यहाँ छीट मिलेगी और एक यहाँ छीट मिलेगी, क्योंकि टायर भार है ना, इसलिए यहाँ तो छीट लगेगी। एक बार भी अगर ये थोड़ी सी भी पानी में चली गई ना तो तुझे मिलेगी, तुम्हें बहुत रियर चांस रहेगा जिसमें तो मैं बहुत आराम से निकाल दूं और छीट ना लगे, पर ज्यादा कर मिलेगी। मैं अपनी हबीबी को लेकर निकल लिया हूँ, उधर से मनीष फॉर्चुनर लेके निकलेगा, मतलब अलग अलग जाएंगे क्योंकि एक पार्टी है, मैंने तुम्हें बताया था वहां जाना है। पर बड़ा भाई हो तो मनीष जैसा, जिसके राज में पूरी मौज ले सका आदमी, नहीं जैसे तुम्हारा भाई ले रहा है। हाँ भाई क्या सीन है? बस सीन बढ़िया है, आप बताओ। आ जाओ बनाएंगे रील बनाएंगे। चलो हम दोनों ने एक ही जगह जाना है लेकिन गाड़ियां जाएंगी दो, क्योंकि मैं वहीं की वहीं निकल जाऊंगा कहीं और, मनीष आ जाएगा ऑफिस पे, फिर आऊंगा घर, घर तक फिर जाएंगे कहीं डिनर के लिए क्योंकि आज मम्मी का जन्मदिन है। यार अब छोटे होने लगे दिन, पहले 7:30 बजे तक ऐसा रह करता बिल्कुल उजाला, और अब 6:30 बजे अंधेरा हो चुका पूरा गुप। जिस दिन हमने जल्दी रह ना उस दिन भाई जाम लगा ही लगा है, अब देखना कितना कैडा जाम लगा पड़ा है। यहाँ पहुंच लिया हूं मैं, और पहुंच के लिया हूं मैं तो मिल लिया विकास भाई था, मैं ऐसे निकल रहा हूं। ये सारी गाड़ी खड़ी है देखो, जो खड़ी है सॉरी मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा होगी। और कॉन्ग्रेचुलेशन विकास भाई को, भाई ने अपना एक खोला है डिटेलिंग डेविल्स के नाम से रेड कारपेट। तो अगर तुम लोगों को किसी को गाड़ी वाड़ी में कुछ काम करवाना हो, जैसे तुम्हें पता है कि यूट्यूबर्स ज्यादा कहीं कुछ कर रहे हैं गाड़ी रंगवा रहे हैं पन्नी चढ़वा रहे हैं, तो सारा काम अपना यहाँ हो जाएगा, अपना आ जाना, डिस्काउंट भी बढ़िया मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? चलो अब निकलता हूँ मैं भाई तो बता के मैं आया, मैंने एक जगह जाना है यार, तो जल्दी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। भाई तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, व्लॉगिंग करना ना बहुत ही कठिन काम है। जैसे कि अभी मैं वहां गया, ठीक है, सारे यूट्यूबर्स वगैरह आ रखे थे, सब ने तो फोन निकाल रखा था। मैंने सोच रहा कि अगर मैंने भी फोन निकाल लिया ना भाई फिर तो बेकार काम हो जाएगा, मैं तो फोन ही ना निकाला। मैं कहा भाई रहने दे ना, मैंने वहां कुछ शूट करा अपना, उनके उसमें था कि हाँ भाई ओके। देखो सबने, विकास भाई खुद नु कर रहे कि आ जाओ, सब अपने व्लॉग में लग रहे, बहुत बढ़िया यूट्यूबर्स, बहुत बढ़िया। भाई मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था ना कि मुझे एक फंक्शन में और जाना है, लेकिन हमारा जो पंडा भाई है उसे भी जाना था साथ में। अब पंडा ने मेरा ना दिल तोड़ दिया भाई, चल दे यार। भाई आज पहली बार बता रहा हूँ, चल दे यार, मानता हूँ, हमेशा मैं मना कर देता हूँ लेकिन आज भाई यार मतलब नू लगा ले, इसने पहले तो लेट करवाया, मेरे तो स्कीम बेची है 100%। चल रहा है ना, चल रहा, इसने स्कीम बेची है, अरे चल रहा है ना, चल रहा, मेरा लेट हो गए, अभी लेट का हो गए, कुछ भी ना हो, 15 मिनट में हाजिरी मार्क आ जाएंगे, पता मम्मी ने, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ मम्मी तुम तो बुढ़िया से लग रहे हो यार, अभी तो इतना चाव चढ़ रहा है क्या भाई दादी बनने का है, देख ना चश्मा लगा के ऐसे हो रही है, जन्मदिन पे अपनी जन्मदिन पे इतना सब कुछ मंगा रखा है लेकिन अपने जन्मदिन पे ऐसा पहनेंगे, अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, देखो नहीं लग रहा,
मैं बढ़िया लग रहा हूँ आप तो बढ़िया लगना ही चाहिए। चेंज करो, चेंज कर लो कुछ। भाई हम जा रहे हैं एक छोटी सी पार्टी करने के लिए। मम्मी पार्टी दे रही है, कह रही कि चलो मेरी तरफ से आज तुम्हें पार्टी। तो मम्मी रेडी हो रही है अभी, उसके बाद मम्मी कर लो चेंज। मम्मी की ड्रेस चेंज करवा दी है। सही लग रहा है नूना कि खराब लग रहा है? सही लग रहा है, पर वो वाला सीन नहीं है कि बर्थडे वाला की ओ भाई वाह। तो यही पहनोगे इंजन करना हूँ? नहीं नहीं बन रही बात, नहीं बन रही। किसी तनु कहते ना कि नहीं बन रही बात, अच्छा ना लग रहा है तो दिमाग में रहे, अब तो चेंज होएगा ही होएगा। हाँ मम्मी तो मैं कह दूंगा ना कि ना मम्मी बहुत बढ़िया लग रहे हो, पर मम्मी फिर भी चेंज करेंगे ही करेंगे। हम मम्मी बहुत बढ़िया लग रहे हो, सच बता रहा हूँ बहुत बढ़िया गजब। लो भाई लुक देख लो भाई तुम हमारी मम्मी का है। आप यार देखना आप तो लग रहे हो बड्डे कल है, और क्या जाओ और क्या यार। मम्मी देखना सब फेल, जहाँ तक कि मैं भी फेल कर दिया अब तो आपने। और यार मैंने कही थी तुम ताकि मम्मी चेंज करेंगी करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। आज मैंने ऐसी मोनू की कह दी, मैं कह रहा है कि पैर रखा है हैं बुरा लग रहा है। मैं कह भाई यार ना जज रहा भाई, तीन बार कपड़े चेंज कर तेरे की मन मार याद मार भाई मम्मी अच्छे लगने चाहिए ना। अब मान लो मैं तो पूछी आपने भाई ठीक लग रही हूँ, मुझे नहीं लग रहे थे, मैंने मना कर दी कि नहीं लग रहे। सही तो है, ऐसे उसने पूछी मैंने ठीक लग रहा हूँ, मैं भाई नहीं लग रहा, मैं अपने भी तो रखूंगा ना। हाँ सही है, सही हो, बढ़िया। आ जाओ, उसका फोन आ रहा मनीष का। मैं क्यों बैठ जाऊंगा भाई, भाभी एक बार और किसने मारे? ओ भाई लड़ाई हो गई रे, भाभी और भैया की लड़ाई हो गई हमारे ये भाई। भाभी दो तो बने, दो और बस, दो और लास्ट दो। अरे लग ये बात सच में ऐसे दर्द हो रहा जैसे कोई हाथ लगा दी। हाँ तो फिर भाभी तो हाथ अड़के लगा रहा है। हाँ ये मारे भाभी, ये एक जगह पे मारो ना, ये दो और मार के दिखाओ भाभी, दो और अरे भाभी दो और मार दो, कोई दिक्कत ना, एक दो मम्मी बचा लो देख लो। चलो आ जाओ भाई, केक केक केक, लव यू माँ, देख रहे हो आप? पन्नी हटाऊं? सुन बैग उठा ले, बैग उठा ले। ये गले में पिगमेंटेशन ज्यादा हो रखा है, तो तू एक बार बता दे क्या होता है पिगमेंटेशन? अरे भाई मुझे नहीं पता, तू बैग उठा चल। ए ये बात, चल चलो जी चलो। भाभी दिहाड़ी इसको कितने देनी है? फ्री है? ओ नाइस, चलो मजदूर बना दिया, मैं देख रहा हूँ। चलो 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 चलो, भूख लग रही है बहुत तेज। दोनों पिटोगे तो ना किस दिन है? तुम दोनों? हाँ किस दिन का मारना? भाभी दो, भाभी मारना एक बार, दो दो मुक्का नहीं, दो दो एक दो तीन। अरे हमें मारने की बात कर रहा है। लो भाई मम्मी ने पार्टी दी है, देख लो कितना आइटम है। और अभी तो और आ रहा है मम्मी, भाई वाह पहनावा बड़ा बांध दे। भाभी कुछ बढ़िया लगाया? एक चीज तो लगी ये है ना, ये ना मेरा अच्छी है तो वाला कुत्ता का बढ़िया। हां अभी बढ़िया है वो तो पी रहा है ना भाई, मार तो ये है, ये पीऊंगा मैं। मम्मी ने चाय मंगाई है भाई देसी स्टाइल में। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को हम पार्टी से आए लेट, क्योंकि हम लेट गए थे तो भाई लेट ही आएंगे। पर आज भाई 12 बज रहे हैं इस टाइम, और 12 बजे तक मैं सो रहा हूँ। मतलब ये लगा लो तुम, बहुत बहुत दिन बाद ऐसा कुछ हुआ है कि मैं 12 बजे तक सोया हूँ, नहीं कभी 8 बजे 9 बजे 10 बजे इतने बजे तक अपना आँख खुल जावे, नींद पूरी हो जाएगी करती। पर आज 12 बजे तक सोया हूँ। ये डार्क सर्कल हो गया यार मेरी आँख पे, वो करवाना पड़ेगा मुझे फेशियल, है ना, फेशियल करवाऊंगा जब ही तो चमक रहेगी चेहरे पे। ऐसा कुछ ना भाई, मैं कुछ ना करवाता, तुम भी मत करवाना, खराब कर लोगे नहीं तो स्किन। अभी मैं एक बार शूट पे जा रहा हूँ, मनीष का एक वीडियो और आने है, जो अभी आई थी ना वो तो इन्हू लगा लो तुम, कितनी देर में शूट कर दी थी, आज मैं ही शूट कर दी और कल आ भी गई। मतलब स्टोरी भी आज मैं बना दी, सब कुछ कर दिया उसने, उसका थोड़ा दिमाग तेज चला है, मेरा ना चलता, नहीं तो मैं मेरे में बता कितने महीना हो गए यूट्यूब चैनल पर आए,
साल भर उनने आ रहा है जतिन शर्मा वाली चैनल पे वीडियो, अभी तक नहीं आई है पर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। अभी मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो काम है ना उन तो निमट लेता हूँ, उसके बाद आएगी। अगर आपने ये वीडियो तक देख लिया तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, टाटा बाय बाय।